सो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर ऐप का जो लोगो होता है या फिर आप उसको वाटरमार्क भी कह सकते हैं, उसको कैसे आपको रिमूव करना है। अगर आप काइन मास्टर ऐप यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा हम जब भी उसमें वीडियो रेंडर करते हैं तो उसमें एक लोगो या वाटरमार्क आता रहता है अगर आप पेड यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब उस लोगो को या वाटरमार्क को हटाना कैसे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना। वैसे बाकी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा और भी मेथड्स हैं जो लीगल नहीं होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, लेकिन मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो एकदम लीगल है और जेन्युइन तरीका है जिससे आप फोन से ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको वीडियो आ रहा है इसमें साइड में जो शो कर रहा है ये हमारा वाटरमार्क है। अब इस वाटरमार्क को रिमूव कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको काइनमास्टर ऐप जो है उसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद अभी आपको प्रोजेक्ट वगैरह कोई ओपन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जाना है सेटिंग में जो कॉर्नर पे आ रहा है इस पर करना है क्लिक। इस पर जाने के बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग में। अब इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन नीचे आ रहे हैं जो वाली इंपॉर्टेंट है। पहला आ रहा है एड वीडियो क्लिप्स अप टू 240 फ्रेम्स पर सेकंड, इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, यस कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद अनलिमिटेड म्यूजिक वीडियो लेयर का आ रहा है तो इसको भी यहाँ से ऑन कर देंगे। यस अभी हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपनी जो वीडियो जैसे आप नॉर्मल तरीके से एडिट करते हैं वो सारी एडिट करके रेंडर कर लीजिए। रेंडर करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस एप्लीकेशन पे और इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू एज गेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी मेल आईडी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जाएंगे हम रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम वीडियो, ठीक है, क्योंकि हमें वीडियो में से रिमूव करना है। आप यहाँ पे जाएंगे तो फोटो में से भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ में से कर सकते हैं। वीडियो पे करते हैं यहाँ पे क्लिक। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो क्लिप है उसको ओपन कर लिया। इसके बाद ये जो रेक्टेंगल जैसा आ रहा है इसको आपको अपने लोगो के ऊपर ले जाना है, जहाँ पे भी आपको लोगो आ रहा है उसके ऊपर रख देना है इस तरीके से, एंड यहाँ से ऊपर से कर देना है इसको डन। जैसे आप डन करेंगे जो आपका लोगो या जो वाटरमार्क आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। सो गाइस हमारी जो प्रोसेस थी वाटरमार्क रिमूव करने की वो कंप्लीट हो गई है। बिफोर आफ्टर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप सेव कर दीजिए, सेव पे क्लिक कीजिए और आपकी जो वीडियो है वो सेव हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं वाटरमार्क के बाद और पहले का दोनों में कितना डिफरेंस है। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं बिल्कुल। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं बिल्कुल ही फ्री। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी और आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। बाकी कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।